झूमते नाचते आई संजू की बारात। परी की जिंदगी में खुशियों की सौगात। नीति के आने से हुई ट्विस्ट की आहट। कलर्स के सीरियल परिणीति में बिना किसी ट्विस्ट एंड टर्न के आखिरकार संजू की बारात पहुंच गई है परी के द्वार। वो भी झूमते नाचते, पूरा परिवार बेहद खुश है। संजू के चेहरे की स्माइल तो देखते बनती है और संजू को दूल्हे के रूप में देखकर आज परी भी बेहद खुश है, क्योंकि जिससे वो प्यार करती है उसके साथ उसकी शादी जो होने वाली है। और देखिए कैसे पूरा परिवार झूम झूम कर ही खुशियां मना रहा है। दोनों का ब्याह होने जा रहा है और वो भी फाइनली आफ्टर इतने सब कुछ हुआ। आपने देखा ना, जैसे कि घर चल के आ, फिर अस्पताल पहुंच गए, ये वो सब कुछ, इतनी बाधाएं आई, लेकिन फाइनली शादी होने जा रही है। तो मेरे लिए बहुत खास है, बाकी कुछ मेंबर्स के लिए खास है, लेकिन कुछ के लिए सैड दिन भी है जो परी को पसंद नहीं करते, तो इट्स लाइक अ मिक्स थिंग। लेकिन बहुत बहुत बड़ा दिन है और हम सब मौज मस्ती से और डांस करते हुए बारात को घर लेकर आ रहे हैं। और ये बारात भी बहुत स्पेशल है क्योंकि डोली भी इसी घर से जा रही है और बारात भी इसी घर आ रही है। भाई यहाँ केवल संजू ही अपनी बारात लेकर नहीं आए हैं, बल्कि नीति भी घूंघट ओढ़े पहुँच गई है इनकी शादी में। और देखिए कैसे छिपती फिर रही है, क्योंकि संजू ने उसे देख जो लिया है। अब संजू को तो पता ही है कि नीति यहाँ है, तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा। यही तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, और वो ट्विस्ट का नाम है राकेश। It's going to be a big, big, big thing. Rakesh is always an asset. मतलब आप देख सकते हो उस कहानी में, बिकॉज वो किस तरह से मतलब अपने यू नो न्यूएंसेस लेके आता है कहानी में, उसके कैरेक्टर में, और वो अगले क्षण में क्या करने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा, और ये बहुत जल्द होने वाला है। अब ये कैसे एंट्री होती है उसकी इस पूरे माहौल में ये नहीं पता, लेकिन होने वाली है ये ज़रूर पता है। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग ड्रामा होने वाला है और समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसा होता है कि जब ये फेरे लेने के लिए उठते हैं, ऐसा कुछ होता है, और वो एंड मोमेंट पे राकेश आ जाता है, तो फेरे नहीं हो पाते हैं, वरमाला हो जाती है बट फेरे नहीं हो पाते। और मैं भी वहीं पर हूँ घूंघट में, मैं देख रही हूँ, रो रही हूँ, बुरा लग रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है नीति। बट जैसे ही राकेश आता है, नीति इज़ लाइक वाओ, और फिर उसके बाद वो उसे ले जाता है उठा के, और नीति बहुत खुश होती है। यहाँ पे अंदर आके मम्मी और बेबे से बहुत हंसती है, और बहुत सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली परी चली गई, अब संजू और मेरी शादी हो जाएगी। अपने ही ड्रीमलैंड में है नीति, बट बहुत खुश है जब वो ले जाता है परी को फाइनली उठा के। अच्छा जी, तो कहानी में परी की खुशियों को नीति की नज़र लगने वाली है और नीति उसका प्लान कामयाब होने वाला है। लेकिन ये प्लान और क्या ट्विस्ट लेकर आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपके लिए 24/7 लेकर आते हैं बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ।